कोई चैलेंज नहीं है साहब। जानकीपुरम प्रथम वार्ड बदलाव की तरफ पूरा रुख था पहले से भी, और आज पूरा जानकीपुरम क्षेत्र बदलाव देख रहा है, और वो चाहता है किसी भी तरीके से ऐसे जो लोग हैं जो आज तक मतलब वार्ड में सिर्फ चुनाव के टाइम दिखते हैं, जैसे हमारा क्षेत्र पूरा विकास से वंचित रह गया है। आज जिस गांव में मैं रहता हूं मड़ियाव गांव में, वहां पर मौजूदा पार्षद भी वहीं पर निवास करते हैं। मैं आज सड़क गांव में अपने पदयात्रा नहीं कर सकता हूं, सड़क नहीं है, गड्ढों से अभी सड़क नाले खुदे पड़े हुए, ऐसी स्थिति है गाँव में। क्षेत्र में आपके जलभराव की बहुत ज़्यादा समस्या, अक्सर बारिश में देखते जैसे कुछ एरिया भाई साहब, कुछ एरिया जैसे हमारे हैं जो जहाँ पर जलभराव की समस्याएँ होती हैं, तो उसको लेकर माननीय विधायक जी ने इस बार काफ़ी पंपिंग सेट दिए और प्रशासन के सहयोग से शासन के स्तर पे हम लोगों ने उस पर काम किया। लेकिन यहाँ पर मौजूदा ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग ना होने की वजह से छोटे काम में हम लोग हमेशा प्रभावित रहे हैं, क्षेत्र की जनता हमेशा प्रभावित रही है। तो मेरा एक ही उद्देश्य है, इस बार जनता से एक ही निवेदन है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए, जिससे पार्षद आपका होगा तो नाली जैसी संबंधी समस्याएँ, पार्कों जैसी संबंधी समस्याएँ, सड़क जैसी संबंधी समस्याएँ, LED लाइट जैसी संबंधी समस्या, सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। यदि सत्ता पक्ष का पार्षद है तो अपने विधायक से काम ला सकता है, अपने सांसद से काम ला सकता है, अपने मंत्री से काम ला सकता है, और क्षेत्र का विकास कर सकता है, और काफ़ी ज़्यादा विकास हो सकता है, जिससे लोगों को उसमें फ़ायदा होगा, उनकी गलियां बनेंगी, उनकी सड़कें बनेंगी, पार्कों का काम होगा, काफ़ी ज़्यादा काम होंगे। लेकिन जो यदि सत्ता में विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी निधि से कितना काम करा पाएंगे, और पिछले 5 वर्षों में किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उनकी मानसिकता ही नहीं है, काम करने का विचार ही नहीं है, वो लोग काम करने वाले लोग नहीं है, वो सिर्फ जनता को बहलाने वाले लोग हैं, वो जनता का सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं, चुनाव के टाइम उनके पास पहुंचते हैं और कुछ प्रलोभन देकर उनका वोट लेने की कोशिश करते हैं। नहीं, मेरे वार्ड में कोई फाइट नहीं है, मेरे वार्ड में कोई फाइट, मेरा वार्ड मोदीमय है, योगीमय है, और गुंडों से बाहुबलियों से निवारण चाहती है, इसलिए इस बार भाजपा में मेरा वार्ड है। बस आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आज मेरे वार्ड में यही है कि मेरे यहाँ जो सरकार की जमीन थी, शत्रु संपत्ति जैसी जमीनें जो थी, इस पर यहाँ के बाहुबली जो कि पूर्व में यहाँ पर नेता भी हैं और मैं उनको कहूँगा कि पार्षद जैसे पद पे भी सुशोभित हैं, उन लोगों ने काफ़ी ज़मीनों को कब्जा किया, जिसको मुक्त कराने का प्रथम मेरा काम यही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्षद के अंदर क्षेत्र में जो भी कार्य आते हैं, जो सड़क संबंधी, नाली संबंधी, पार्कों संबंधी या शत्रु संपत्तियों पर जो भी कब्जा है, ग्राम समाज की जमीन पर जो कब्जा है, वो सब छुड़वाने का काम हम लोग करेंगे, और क्षेत्र की जनता के बीच के हैं हम, उन्हीं के समाज के हैं और उन्हीं के लोगों के साथ में हैं। मेरी जनता से एक ही निवेदन है, किसी भी तरीके से बहकलावे में ना आए, किसी भी तरीके से अपने समाज के, अपने बीच के, अपने लोगों के बीच के व्यक्ति को चुने, और मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि क्षेत्र में विकास की वो गंगा बहेगी जो कभी आपने इस वार्ड में नहीं देखा हो। तमाम तरह की योजनाओं से लोग वंचित रह जाते हैं, उनको पता नहीं चलता, तो आइए कैसे जैसे मेरे वार्ड में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कॉलोनियाँ आई गरीबों को कॉलोनी के लिए, एक समाज इतना प्रभावित रहा कि गिनती की 21 कॉलोनियाँ उनको दी गईं, जबकि दूसरे समाज के लोगों को कई सैकड़ों तादाद में उनको कॉलोनियाँ मिली, तो ये प्रभाव देखने को मिला। मैं अपने गांव की बात करता हूँ, एक हिस्सा गांव का जिसमें दूसरे समाज के लोग रहते हैं, या मैं कहता हूँ समाज एक ही है लेकिन जो अलग समाज के लोग हैं वहाँ पर काम होता है, यदि जहाँ पर दूसरे समाज के लोग हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकास नहीं। भाजपा सबका साथ सबका विकास की राजनीति करती है, सबका विश्वास की राजनीति करती है, वो नफरत फैलाने का नहीं, नफरत दूर करने का काम करती है, और नफरत फैलाने का काम आप लोगों ने अभी कुछ दिनों में पहले देखा होगा, जब वहाँ पर गुंडे और मावाली और आतंकवादियों का खात्मा करने का काम, तो यहाँ आंसू बहा रहे थे यहाँ के लोग जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, उनकी मानसिकता जग जाहिर है कि वो किसके साथ हैं। ठोको नीत नहीं है,
मैं ये कहूँगा, बस एक ही लास्ट बार मैं इतना ही बोलूँगा, सिर्फ गुंडे मवालियों और आतंकवादियों से सफाया क्षेत्र से होना चाहिए, वार्ड से होना चाहिए, प्रदेश से होना चाहिए, देश से होना चाहिए, ऐसी ही नीति होनी चाहिए सरकार। अपने वार्ड से अंतिम प्रश्न है आपसे कि अपने वार्ड से अगर आप जीतते हैं तो क्या ये अतिक्रमण जो है वो हट जाएगा या प्रयास करेंगे? सर्वप्रथम पहला काम यही होगा कि हम अपने वार्ड से जो अतिक्रमण और यहाँ पर जो बांग्लादेशी यहाँ निवास कर रहे हैं, जिसे यहाँ पूरी कॉलोनियों को जिसे समस्याएँ हैं, बांग्लादेशी बगल में रहते हैं और रात में चोरी और विवाद करने का काम करते हैं, उन लोगों को